हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बस। मैसेल्फ आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, हम लोग पेपर फर्स्ट के ही कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, ये क्वेश्चन बच्चों एक्चुअली में आपका एक ग्राम इक्विवेलेंट हम लोगों ने पढ़ा था। ग्राम इक्विवेलेंट जो कॉन्सेप्ट था, जिसको बेटा हम लोग GME बोल रहे थे, है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन ये डिस्कस किया गया डायरेक्ट, ठीक है, टाइट्रेशन को लेकर। और हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, ठीक है, कि क्या किया था हम लोगों ने, एक पर्टिकुलर जो गिवन कंपाउंड है, दूसरे से बिना मैंने ग्राम इक्विवेलेंट को एक्यूट किया था। और ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर कभी भी आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ती है, ऐसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में 5 ml ऑफ 0.1 M ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन टेकन इन ए कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, लिख लो आप पहले। ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4, उसको आपका जो अमाउंट दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इन ml दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू, 5। और आपको यहाँ पे ठीक है कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है, दिस इज दी 0.1 M, मतलब मोलरिटी में दे रखा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है इसमें किसके अगेंस्ट बेटा टाइट्रेशन कराया जा रहा है, NaOH के अगेंस्ट, ठीक है, NaOH के अंदर टाइट्रेशन कराया जाए, NaOH फ्रॉम ब्यूरेट यूजिंग द फिनोप्थिलीन इंडिकेटर्स, ठीक है, एंड पॉइंट के बारे में बात करेगा। द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर द अपेयरेंस ऑफ परमानेंट फेंट पिंक कलर इज टैबुलेटेड ब्लू द 5 एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी ऑफ द NaOH सॉल्यूशन। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अभी क्वेश्चन क्या है कि NaOH का वॉल्यूम पूछा गया, बट कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालूं सर मैं, तो कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम कौन सा लेना है और फिर कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिफाइन करना है मोलरिटी में। तो वॉल्यूम तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जब बच्चे ने पहला एक्सपेरिमेंट किया तो उसको ये डाटा मिल गया, ये वॉल्यूम यूज करना पड़ा, है ना, एंड पॉइंट के लिए। जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया तो आपको ये बड़ा वॉल्यूम डिफाइन करना पड़ेगा 10.5। थर्ड उसने किया तो 9.0 लेना पड़ा ml NaOH का, और फोर्थ उसने ये किया तो 9.0, और फाइव किया तो भी 9.0। मतलब ये जो तीन वैल्यू लास्ट की आ रही थी, ये क्या एक्यूरेट है, अगर आप बात करोगे तो ये वैल्यू कैसी है, एक्यूरेट वैल्यू है। ऊपर की वैल्यूज आपकी एक्यूरेट हैं, बट इसमें एरर है। तो जिन वैल्यूज में एरर है एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यूज में, उनको आपको नहीं लेना है। तो आपको 12.5 नहीं लेना है, 10.5 नहीं लेना है, आपको लेना होगा तो कितना वॉल्यूम लेना होगा, ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ NaOH आपको जो लेना होगा, एक्यूरेट वैल्यू लेनी होगी जहाँ पे आपकी एरर नहीं है, दैट इज 9.0। इस ml को लेके आपको सॉल्व करना है, तो मतलब NaOH का आपको जो वॉल्यूम लेना पड़ेगा, दिस इज 9.0 ml। अब कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, सिंपल है। तो ग्राम इक्विवेलेंट फॉर ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट फॉर NaOH। स्टार्ट करें, यस। इसमें आपको bml दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो कितना होगा आपका फॉर्मूला, ये आपको 5 ml है, 5 × अब NaOH, आपके ऑक्सैलिक एसिड का बेटा बैलेंस फैक्टर कितना होता है, 2 होता है ना, 2H+ बाहर रहते हैं, 2 हो गया, इंटू इसका वॉल्यूम कितना है 0.1, इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, इधर बेटा बात करेंगे तो इसका NaOH का बैलेंस फैक्टर कितना होता है, 1 होता है ना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मोलरिटी के बारे में नॉर्मेटिव को मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी आपका BML कितना है, BML इसका 9 लेना होगा, तो मतलब लेने दे आपका मोलरिटी इंटू 9, बस इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने से आपकी जो मोलरिटी की वैल्यू आएगी 1/9 M, और यू हैव टू सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर 0.11 M। ये आपका होगा एक्यूरेट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी तो नहीं करना था, बट आपको वो कन्फ्यूज़ किया था कहाँ पे, इस डाटा के बेस पे। तो बहुत से बच्चों ने 12.5 लिया था, किसी ने 10.5 लिया था, पर ध्यान ही देना कि जो एक्यूरेट वैल्यूज होती है वही आपको डाटा बेस में लिखनी होती है, है ना, उसी के बेस पे आंसर को निकालना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यस, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है, कंसीडर द रिएक्शन ए के साथ आपका इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, रिवर्सिबिलिटी बी एट टेम्परेचर इज वेरी क्लियर। आपको जो वैल्यू दे रखी है ए के साथ बी, जहाँ पे टेम्परेचर आपको फिक्स किया गया है, दैट इज दी 1000 Kelvin, ठीक, ओके। इसके बाद है, एट टाइम टी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वॉज इंक्रीज्ड टू द 2000 Kelvin, मतलब 1000 से आपका T1 मान लो
और फिर आपका जो टी टू इसने कर दिया है वो कितना किया है, डबल कर दिया, मतलब 2000 केल्विन कर दिया है। टी वन टी टू की वैल्यू आपको समझ में आ रही है। एंड द सिस्टम वॉज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, ठीक, इक्विलिब्रियम पे आपको पहुंच गया 2000 पे। इसके बाद आपको बोला गया है थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन्ड एट 1 bar, ठीक है। फिर इसके बाद पार्शियल प्रेशर देखो आपको कहीं ऊपर तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ग्राफ में दे रखा है पार्शियल प्रेशर, ये है बी का पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, है ना, इन वॉर दे रखा है, ठीक है, यूनिट है आपका। और यहाँ पे आपको दे रखा है टाइम, ठीक, इसमें मतलब जब पार्शियल प्रेशर 10 था तो टाइम आपका यहाँ पे देखो ये वैल्यू थी, यहाँ पे टी डैश डिपेंड किया है। फिर आपका यहाँ पे इस टाइम में देखो आपके ये जो वैल्यूज है वो देखो डेफिनेटली आपके हर एक पॉइंट पे इंक्रीज करे, बट टाइम आपका यहाँ पे कैसा है, फिक्स किया गया है। फिर एक समय बाद क्या हुआ कि ये देखो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट ये है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ पे आपका टाइम तो इंक्रीज कर रहा है बट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बच्चों कैसा हो गया है, कॉन्स्टेंट, समझ में आ रहा है। तो यही तो पॉइंट आपका कैसा है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे देन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विद टाइम व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस बच्चों बताऊँ तो आपका ये थर्मोडायनेमिक्स दोनों को मिक्स करके ही पूछा गया है क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि एडवांस बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे पूछता है, उसमें 2-3 चैप्टर को इंक्लूड कर देता है, और वैसे भी चैप्टर को लिंक करना बहुत डिफिकल्टी नहीं है, बट उन क्वेश्चंस के जो डाटा हैं उन डाटा को समझना ज़रूरी है कि हम लोग एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को कनेक्ट कैसे करते हैं। मैं आपको तभी वैसे ही पढ़ाता हूँ कनेक्टिविटी के साथ। इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ोगे आप जेईई मेंस निकाल पाओगे, एडवांस ही निकाल पाओगे। एडवांस को निकालना है तो आपको चैप्टर को लिंक करके पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पूरी एक साथ आपको चीज़ देखनी होगी। इफ़ एनी केस यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन डाल देता तो फिर आपको दिक्कत हो जाती, तो ये सब कुछ चीज़ें आपकी लिंक करनी पड़ेंगी, समझ में आपको आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इस रिवर्सिबिलिटी को लेके, इस इक्विलिब्रियम को लेके, तो के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ से अगर आप K1 की बात करोगे तो K1 कितना हो जाएगा बच्चों, 10। देखो ना स्टार्टिंग क्या है आपका, यहाँ से आप क्या हो रहा है आपका, ये आपका देखो यहाँ पे 10 फर्स्ट में, जब आपका दो जो आपका T1 की वैल्यू रहेगी, T1 कितना आपका T1 पे टाइम पे रहेगा आपका ये 1000 केल्विन। फिर आपका जब K2 100 का मतलब ये वाला पॉइंट 100 पे गया तो फिर आपका T2 कितना 2000, ऐसा क्वेश्चन में आपको गिवेन है पूरा का पूरा डाटा, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद ये तो आपको इक्विलिब्रियम को ऊपर से समझ में आ गई चीज़ें, हमें अभी ग्राफ इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। फिर इसमें हम लोग डेल्टा जी मतलब गिफ्ट एनर्जी के बारे में बोला गया है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है फॉर्मूला, -R(T) NRT होता है ना, तो एन तो आपका मान RT हो गया, LNK इक्विलिब्रियम, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। इसको 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एक डेल्टा G1 हो गया डिवाइड बाई डेल्टा G2 हो गया इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर होगा आपका T1 डिवाइड बाई T2 इंटू यहाँ पे होगा LNK इक्विलिब्रियम 1 डिवाइड बाई LNK इक्विलिब्रियम 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप T1 बाई T2 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ से कितनी मिल जाएगी 1/2, तो ये वैल्यू आपकी 1/2 हो गई इंटू के LNK इक्विलिब्रियम 1 इक्विलिब्रियम 2, तो यहाँ से देखो ये आपको कितना मिलेगा, ये भी आपका LN के साथ है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा भाई, 100 है ना 10^2 मतलब ये 1/2 मिलेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1/4 का मतलब ये 0.25। यही क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिफ्ट एनर्जी फॉर द रिएक्शन इन टेम्परेचर के साथ, तो बिल्कुल सही आंसर 0.25 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना था कि 100 और ये 10 इसको लेके हम लोग टेम्परेचर वैसे इक्वेशन लगानी है। डेल्टा जी नोट तो आपको पहले से बचपन से ही पता है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ा है डेल्टा जी नोट इक्वेशन, बस कंपेयर करना था, आंसर आपको निकलना था। तो देखो चैप्टर कैसे कनेक्ट किया है, अच्छा चैप्टर कैसे कनेक्ट किया है मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे आप समझते कैसे उस चीज़ को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 14 आपका आसान था, बहुत लेंदी नहीं था, बट हम इसको हम एवरेज बोल सकते हैं, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है आपको, उससे मतलब आप नहीं रखना, आपको लैंग्वेज को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन रहेगा लगभग, देखो ध्यान से क्वेश्चन है, कंसीडर द 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल मैंने आपको पढ़ाई है,
ठीक है, वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एट 1 bar एंड 298 केल्विन, सेल की रिएक्शन भी आपको ऑलरेडी पता है, ये रिएक्शन भी आपको मैं क्लासरूम में कराया हूँ। द वर्क ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन कंजप्शन ऑफ 1.0 × 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये कंजप्शन हो रहा है बेटा, ये आपका हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है, इज यूज टू कंप्रेस 1 mole ऑफ मोनोटोमिक आइडल गैस इन ए थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, ठीक, इसको कंप्रेस करने के लिए 1 mole ऑफ मोनोटोमिक आइडल गैस को तो इतना आपको यहाँ पे कंज्यूम करना पड़ रहा है बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन, ओके। व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ द आइडल गैस, ये आपको चेंज निकालना होगा, ठीक है, और क्या है इसमें कुछ डाटा है क्या, ठीक है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द 2 half cells, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, दोनों के लिए दे रखा है, फर्स्ट के लिए E0 की वैल्यू स्टैंडर्ड, सेकेंड के लिए आपको ये दे रखी है 0 volt। ऐसे भी हाइड्रोजन के लिए बेटा हम SHE यूज करते हैं ना, आपको पता होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE NHE, तो उसकी वैल्यू 0.0 volt, और फैराडे आपको पता है इसको यूज करना 9600, और R की वैल्यू भी आपको यहाँ पे फिक्स कर दी गई है। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ये पहले क्लियर हो गया। तो देखो सबसे पहले जो E0 की वैल्यूज गिवन है, तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द आपका E0, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये तो आपको मिलेगा 1.23, नीचे वाला 0 ना माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको 1.23 आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में आपसे जो बोला गया है चेंज इन टेम्परेचर फॉर द आइडल गैस है ना, व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर फॉर द आइडल गैस, मतलब टेम्परेचर आपको डेल्टा टी निकालना है, एग्जैक्टली डेल्टा टी निकालना होगा, और क्या और कुछ दे रखा है इसमें, नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे डेल्टा E0 की इक्वेशन फॉलो करेंगे, रिएक्शन हमारी फीजिबल हो रही है, और रिएक्शन की हमारी फीजिबिलिटी हो रही है, फीजिबिलिटी का मतलब जो डेल्टा G0 होगा बच्चों उसको लेना पड़ेगा मुझे जी 0, डेल्टा G0 अगर देखो अगर फीजिबिलिटी की बात करते हैं रिएक्शन फीजिबल होती है तो डेल्टा G0 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, ठीक है, फिर क्या सॉल्व करते हैं, निकालते हैं आंसर, देखो क्या होगा आपको यहाँ पे E0 सेल की जो वैल्यू है वो तो आपकी हो गया 1.23 volt, ठीक, तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल, और फिर हम बात करेंगे डेल्टा G0 इज इक्वल टू -डेल्टा G0 इज इक्वल टू आपका ये वैल्यू जब पुट करोगे ऊपर तो ये कैलकुलेशन करके निकल के आता है 237.390 joule per mole, समथिंग इस तरीके से निकल के आएगा डेल्टा G0 की वैल्यू। और फिर इसमें हम लोग डेल्टा जी के बारे में बात करेंगे तो डेल्टा जी इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.7 × 10⁻³ डेल्टा G0, ठीक है, अच्छा फिर इसको आप जरा सॉल्व करो यहाँ पे तो ये वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आ जाएगी ये 1.66 नहीं आएगा ये समथिंग आएगा आपका यहाँ पे 166.173 joule, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर हम लोग W की तरफ बात करें W इक्वल टू हो जाएगा इसमें NR delta T, ये आपका गामा माइनस वन, ठीक है, और मोनोटोमिक गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ से जब वो वैल्यू पुट करेंगे सारी वैल्यू NR और ये जब डेल्टा टी तो डेल्टा टी आपका सीधा यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 1332 केल्विन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, मतलब जनरली मैंने क्या है सॉल्व करके आपको फटाफट सॉल्यूशन बता दिया, इस तरीके सॉल्व करना है आपको, इसका लॉजिक पता चला होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बहुत से बच्चों ने इसको छोड़ा होगा बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चंस को समझ में कम आया होगा, एक्चुअली ये जो रिलेशन है वो रिलेशन आपको यहाँ से मॉडिफाइड हो गया है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट आपका था नहीं, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तरफ बात करें क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों जो आपको पूछा गया है वो ध्यान से देखो, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, यस, एल्युमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर प्रोड्यूस एट 300 केल्विन एंड 180 प्रेशर व्हेन 5.4 gram ऑफ एल्युमिनियम एंड 50 ml of 5M आपका मोलरिटी है सल्फ्यूरिक एसिड बट कंबाइंड फॉर द रिएक्शन, मतलब मोल से रिलेटेड है ये जो क्वेश्चन है आपका, वो समथिंग मोल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा फॉलो किया जाएगा, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है ना, ध्यान दो कैसे सॉल्व करना है, तो रिएक्शन लोगों पहले फिर पता चलेगा। एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे आपका आ गया है H2SO4, यहाँ से फॉर्म हो गया है बच्चों Al2SO4 thrice,
ठीक है ना, ये क्लासरूम की इजेक्शन है, प्लस आपका यहाँ से रिलीज करेगा आपका H2 थ्री मोल्स। इसको आप बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करोगे तो दो एल्यूमिनियम यहाँ पे हो जाएंगे, H2O4 की बात करोगे आपका ये थ्री हो जाएगा बस। अब देखो एल्यूमिनियम के बारे में क्या बोला गया है, एल्यूमिनियम के बारे में आपको बोला गया है 5.4 ग्राम। 5.4 ग्राम का मतलब ये हो जाएगा, अगर इसके मोल्स निकालोगे एल्यूमिनियम के तो 5.4 ग्राम में इसके जो मोल्स आ जाएंगे वो आपके आ जाएंगे 0.2 मोल्स। अरे ग्राम में होता है तो मोल्स कैसे निकालते हैं, ग्राम डिवाइड बाई एटोमिक मास, 0.2 मोल्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। H2SO4 की तरफ मूव करते हैं, H2SO4 के भी जरा मोल्स निकाल के देखते हैं कितना है। H2SO4 के बारे में दे रखा है 50 ml ऑफ 5.0 M, मतलब इसमें ml दे रखा है ना, तो इसके बेस पे हम लोग निकालेंगे तो इसके आपके मोल्स आ जाएंगे बच्चों 0.25 मोल्स। इसके आगे बेटा H2SO4 के आगे, ठीक। फिर उसके बाद इसमें जो बात करी जा रही है वो क्या है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसके बारे में पूछा गया है। जब ये टू मोल एल्यूमिनियम था, 3 मोल H2SO4 सिलेक्ट किया तो आपको 3 मोल H2 मिल गया, 3 मोल हाइड्रोजन गैस आपको मिली। फिर जब ये 0.2 मोल्स हुआ, ये 0.25 मोल्स हुआ, तो पहले तो ये बताओ इसमें से लिमिटिंग कौन सा होगा। लिमिटिंग मतलब जो पहले फिनिश होगा, तो एल्यूमिनियम बेटा सबसे पहले फिनिश हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम आपका हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके बारे में तो कहानी आपकी, देखो जो पहले फिनिश हो रहा है ना भाई, जो पहले फिनिश होगा उसके बेस पे जो डाटा आपका डिफाइन किया जाएगा ना, ठीक है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे तो ये 0.2 मोल्स है ना, ठीक। तो यहाँ से जब 2 मोल था तो आपका 3 हो गया था। जब लिमिटिंग के, क्योंकि लिमिटिंग के बेस पे हम लोग बात करते हैं, एक्सेस रिएजेंट के बेस पर बात थोड़ी करते हैं रिएक्शन, तो इसके बेस पे बात नहीं करेंगे कितना फॉर्म होगा हाइड्रोजन। तो 0. जब 2 था तो 3, जब 0.2 से होगा, अगर 1 से होगा 3/2, 0.2 से होगा, तो वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 0.3 मोल्स आ जाएगा। अरे क्या मेरी बात आपको समझ में आई, 0.3 मोल्स हो गया। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा गया है, तो बस उसमें लीटर में चेंज कर देंगे, तो आपका यहाँ से मोल्स को मीटर में चेंज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 6.15 लीटर। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, क्वेश्चन पहले रिएक्शन लिख लो आप, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, मैंने पहले बोला था मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद एल्यूमिनियम के मोल्स निकालने हैं, तो आपको ग्राम गिवन है, ग्राम से मोल निकाल सकते हो। फिर H2SO4 के आपको ml गिवन है, वहाँ से आप मोल्स निकाल सकते हो। फिर वहाँ से क्या करना है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट सर्च करना है, तो एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट आपका हो गया। फिर एल्यूमिनियम के बेस पे तो जब 2 एल्यूमिनियम था तो 3 आपके मोल्स H2, जब 0.2 होगा तो आपका 0.3। बस इस मोल्स को फिर चेंज लीटर में कर देना है, आंसर आपको मिलेगा 6.15। ये क्वेश्चन पूछा गया था और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। बच्चों आपके रेडियोएक्टिविटी का है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, उससे कॉन्सेप्ट थोड़े से आपको मैं डिस्कस कर दूंगा उसमें। एक्चुअली अभी चैप्टर हम लोगों ने किया भी नहीं है, तो वो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका अलग काम करेगा। तो पहले ही बात करें क्वेश्चन नंबर 18 को लेके। 18 में देखो क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो बहुत सिंपल है। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस कंपाउंड क्यू इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड पी बाय एन आयोनिक इंटरमीडिएट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है इंटरमीडिएट को लेके, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फोकस करो तो जो भी आपकी नेमिंग रिएक्शंस हैं, उन नेमिंग रिएक्शंस के आपको जो मैकेनिज्म है वो जरूर आप ध्यान दो, क्योंकि उनके मैकेनिज्म पे क्वेश्चंस आता है, नेमिंग रिएक्शंस नहीं पूछते, उनके मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, आपको रिएक्शन दे रखा है ये पी, यहाँ से क्यू फॉर्म होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है, मतलब आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, है ना। और यहाँ से आपको मिले कलर्ड कंपाउंड, उससे मतलब है नहीं, बट क्वेश्चन जो पूछा है कि अनसैचुरेशन ऑफ क्यू कितना होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे अभी इसको हम लोग है। तो देखो इसके पास ये भी एरोमेटिक पार्ट है, बेंजीन है, ये आपका फिनाइल है, फिनाइल है। यहाँ से आपको ये ऊपर दे रखा है, यहाँ से तो कहीं से तो आपको बेटा कहीं भी डिहाइड्रेशन हो नहीं सकता है, बट ये देख रहा ना ईस्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इससे सब कुछ हो सकता है। तो कैसे, अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो यहाँ से मिलेगा C double bond O, इधर बेंजीन से अटैच हो जाएगा और आपको मिलेगा OCH3, मतलब ये ईस्टर पार्ट है। यहाँ से OCH3 आपका बाहर जाएगा, क्यों, क्योंकि एसिड बच्चों क्या करेगा, H+ ion को रिलीज करेगा। तो जहाँ पे बेटा ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर्स है, तो लोन पेयर्स आपका इधर मूव करेगा, तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास, है ना, जो कार्माइल वाला है। तो ये आपको ऐसे मिल जाएगा, ध्यान दो, ये आपका ऊपर बेंजीन हो गया है ना, एक आपका फिनाइल यहाँ पे है, एक फिनाइल इधर है, एक फिनाइल आपका यहाँ है, और यहाँ मिला कार्बन के पास C double bond O हैविंग दी पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, ये आपको मिल जाएगा, समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा,
अब इसके बाद कुछ सीन ऐसा होगा कि जो आपके फिनाइल हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, ये आपके जो पॉजिटिव चार्ज है, जो आपकी डेफिशिएंसी आ रही है उसको स्टेबल करने की कोशिश करी जाएगी। तो कैसे करेगा वो देखो, इसमें ज़रा मैं इन दोनों में फिनाइल जो आपके ऑर्थो पोजिशन में किसी को आप एक्सपांड कर दो तो आपको और प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे ध्यान से, ये आपका यहाँ पे इस तरीके से ये बेंजीन हो गया, एक फिनाइल आपका यहाँ, ये वाला फिनाइल यहाँ पे, मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से, यस लाइक दिस, ये आपका हो गया, यहाँ पे ये पाई हो गए। अभी देखो यहाँ पे आपका ऊपर इधर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, इट इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कितनी कार्बन की रिंग बन सकती है वो देखो। तो ये आपका 1, 2, 3, 4 और आपका ये 5 है ना, तो ये आपकी रिंग क्या होगी, ये वाला पाई आपका यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, तो ऊपर से आपकी रिंग देखने को मिलेगी, तो ये रिंग आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी। देखो जरा, ये आपका हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, दिस इज 1 फिनाइल एंड सेकेंड फिनाइल, और इससे अटैच एक आपका बेंजीन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पाई पाई एंड पाई, और यहाँ पे आप देखो 5 का, तो 1, 2, 3, 4 और एक आपका ये होगा ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो ये आपको मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसके बाद यहीं से क्वेश्चन पूछा गया कि ये आपका क्यू हो गया है, तो इसके पास DU कितना है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है। तो देखो रिंग, देखो रिंग की वजह से DU कितना होता है 1, और पाई की वजह से DU काउंट किए जाएंगे, बस चेक कर लो। तो एक फिनाइल के पास कितना DU होता है 4, 3 पाई की वजह से, रिंग की वजह से, इसके पास भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, कितना हो गया 4 × 4 × 4 16 हो गए ना। 16 के बाद एक ईयरिंग की वजह से 16 और 17, एक पाई की वजह से, तो ये कितना हो गया 18। तो कितना आंसर होगा, 18 इज़ द आंसर। इसका जो DU होगा वो कितना होगा फाइनल, इसका DU आपका हो जाएगा फाइनली 18, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो पेपर फर्स्ट था, पेपर फर्स्ट का बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पूरा डिस्कशन कर दिया है। तो देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी थे, अगर आप इसी में से इस पेपर फर्स्ट पेपर में से अगर मैं आपको बताऊँ आप 3 to 4 क्वेश्चंस को बाहर भी निकालते हो तो भी आप बाकी क्वेश्चंस कर पाते हैं, तो इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर जब बच्चों हम डिस्कस करेंगे तो वो जल्दी ही आपको पेपर सेकंड का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।